हमजा ने कहा मैं अब कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे से लाइव अगर तुमने गाना गाया। नहीं नहीं आप गाएं, मैं चलता हूँ। मैं वो अब गाने में आ रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन ट्रेंड्स में मार्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सहर हयात और हमजा का आने वाला है न्यू ड्रामा सीरियल सीजन 2 फेरी टेल का। लाइव में वो अपने ड्रामे के बारे में बता रहे हैं और वो कुछ बिहाइंड द सीन्स भी शेयर कर रहे हैं कि वो कितना इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ और वो सेट पर क्या क्या हंसी मजाक करते हैं वो भी देखेंगे आप इस वीडियो में। सहर खान ने अपने आने वाले फेरी टेल ड्रामा के बारे में डिटेल्स भी बताई हैं कि आखिर कब होने वाला है स्टार्ट। इस वीडियो में आप देखेंगे सहर खान और हमजा के दरमियान नोक झोंक भी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। क्या आप फेरी टेल के सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। हाय बोलते हैं प्लीज। हाय तुम आके क्यों बोला आपने यार? मैं फ्लश कर रही है हमारी बेबी गर्ल। मैं इंडिया से हूँ। उनको भी आप हाय बोलते हैं फिर जाओ। आपके बहुत सारे फैंस आ रहे हैं। हाय K4 काशु कह रही है आप हमारा भी कमेंट पढ़ो यार, आपका नाम इतना मुश्किल है बट चले मैंने पढ़ लिया है आपका। अच्छा बाकी लोग तारीफें कर रहे हैं मेरी जो कि मैं हमजा आई थिंक आपका नेट खराब है। क्यों मेरा का कोई मसला है? लोग कह रहे हैं आई थिंक इंटरनेट सही नहीं आ रहा आपका, तो चेक करें जरा। हाँ हल्की सी ब्लर होती है बीच में। 3G यूज कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जगह पे बैठूं यार, यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं है। मैं तो बेसमेंट में था, शुक्र करो मैं ऊपर भागूं। अच्छा MO867 बोल रहे हैं कि हम भी इंडिया से हैं, प्लीज हमारे लिए भी कुछ बोल दीजिए प्लीज। आप इंडिया के फैंस के लिए कुछ बोल दीजिए। क्या नाम था उनका? MO87। थैंक यू सो मच। आप लोगों के बड़े इंतजार हैं सबके, इंडिया इतना इतना प्यार में। बल्कि कल मैंने वो वीडियोस देखी हैं, शेयर देम यार, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी भाई को इसको आके बताया था मैंने यार, दिस वुड बी ग्रेट एंड ऑल द वे। अच्छा लगता है मेरी बर्थडे पे भी लव यू सो मच, लव यू मोर। इस पे मैंने बड़ा सोचा है, हमारे इतने फिट फिट सीन्स, इतने फिट फिट मोमेंट्स हुए हुए हैं व्हाइल मेकिंग देम। वो तो आप लोगों को बेहतर पता है, बट हमें तो हर सीन करते हुए इतना मजा आता था, हंस हंस के हम लोग पागल हो जाते थे। और अभी भी ऐसा है कि आप सब लोग बहुत हंसने वाले हैं आई एम श्योर, क्योंकि हम जब सीन्स कर रहे होते हैं हमें इतनी हंसी आ रही होती है। तो आई विश एंड आई प्रे कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, आप लोग हंसे। तो यार बस सब थोड़ा सा कमेंट्स पढ़ते हैं, देन फिर आपने भी घर जाना होगा है ना, पैकअप हो गया ना? या मैं लोगों के लिए बैठा हूँ। यार कॉमेंट्स और शहर में डिनर पे जाना है, ने टाइम निकाला है आप सब लोगों के लिए। मेरी हालत पीछे अदनान भाई खड़े हुए देख रहे हैं, क्या हालत से लग रहा है मैं डिनर पे जा रहे हैं। ओह हेलो, ये हमारे हमारे प्रोजेक्ट हेड हैं और हमें रोज सेट पे बताने आते हैं। आप लोगों ने पैसे मैं कुछ और बोलने वाली थी पर मैं चुप हो गई। हाँ और बिल्कुल, आपने सुबह 9 बजे गाड़ी में बैठ जाना है, आपने पूरा दिन काम करना है, पूरी रात काम करना है और आपने कुछ नहीं बोला। मैं ठीक हूँ। तो ये हमारे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट है ना, जो कि हमें रोज सेट पे लेजेंड है। लेजेंड वही वाले लेजेंड, ये लेजेंड है। अच्छा तो और पढ़ो यार, क्या कह रहे हैं लोग, नाराज होंगे। Yeah, I think बस यही आ रहा है, started following you, I love you, दोनों को बहुत सारा है ना, इसी में तो फंसा हूँ। I think बहुत सारे लोग हमें follow कर रहे हैं, इसलिए ही आ रहा है। Yeah. अच्छी बात है। चलो तुम कोई मैसेज दे दो अपने फैंस के लिए जल्दी से, ताकि फिर लाइक पहले आप देते, मैं उतनी देर कुछ सोच रहा हूँ। नहीं यार यार मैं तो हम लोग बड़े, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग बड़े इमोशनल है कि आप लोग हमें इतना सारा प्यार देते हैं। पता नहीं हम इस काबिल हैं भी या नहीं है, क्योंकि काम सारे एक्टर्स कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, बट आप लोगों ने जितना प्यार फेरी टेल को दिया है, हाँ आप लोगों ने जितना प्यार फेरी टेल को दिया है ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था आप सबके बगैर। और ऑब्वियसली पूरी टीम का भी है, हमारे डायरेक्टर हो, हमारी सारी कास्ट हो, हमारे क्रू हो, तो इन सबके बगैर भी नामुमकिन था। और इसीलिए हमने सीजन 2 भी किया है। आई एम श्योर कि बस प्रेशर बहुत ज्यादा है, पता नहीं आप लोगों को क्या होने वाला है सीजन 2 में, बट अच्छा सोच रहे हैं हम कि इंशाल्लाह 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 ये जर्नी भी वैसी ही रहे जैसी सीजन 1 की रही है,
और इससे ज्यादा ह्यूज हो, मतलब आप लोग खुशी से पागल हो जाए, इतना अच्छा हो कि आप लोग नहीं, हम तो अपनी तरफ से वही वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हमें ऑनेस्टली नहीं पता कि क्या चीज थी जिस चीज ने, जिस चीज की वजह से इतना प्यार मिला लोगों का, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं विद वेरी प्योर एंड गुड इंटेंशंस दैट वी कैन डिलीवर, बिकॉज़ आफ्टर ऑल वी आर एंटिटीज, तो बाकी पूरा ये मैं सोया था सही पूरा दिन, सही बात है, सही बात है, मैं रतनान भाई एक ट्रिप पे निकल गया चले यार हम टीवी स्पॉन्सर्ड ट्रिप, सर हमजा को कह दो प्लीज मेरे को हाय बोल दे, जेनी कह रही आप प्लीज उन्हें हाय बोल दें, जेनी जेनी हाय जेन, थैंक यू सो मच, अच्छा हाय 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 सबको, बहुत सारा हाय हाय कह रहे हैं, लाइव हेलो टू एवरीवन, हेलो टू एवरीवन, सर आप ही सबको हाय कर दें, हां प्लीज सर आप ही सिंगर सॉन्ग नहीं यार, ये ना जुल्म करें आप हमारे साथ, हमजा ने कहा मैं अब कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ लाइव अगर तुमने गाना गाया, नहीं नहीं आप गाएं मैं चलता हूं, मैं वो अब गाने से आ रहा हूं, अच्छा किसी ने बोला है कि सर हैव यू शोन हमजा द ट्विटर रोस्ट एडिट्स एंड टोल्ड हिम, वो क्या जी कौन सा रोस्ट एडिट, यार बहुत सारे रोस्ट एडिट्स हैं तो मैं ट्विटर पे अपने चेक करती रहती हूँ, बड़े क्यूट क्यूट लोगों ने बनाए हैं तो वो मैं कल दिखाऊंगी, कल दिखाना मैं कल भी आगे दिखाऊंगी, वो पूछ रही बेबी गर्ल वाली बात पता है तुम्हें, तो जी पता है, आई लव यू बहुत सारा तो वे लोग बेबी गर्ल कह रहे हैं, हाँ चलें प्यार से कह रहे हैं, ठीक है भाई हमारा सेंसिटिव सा लड़का है, बड़ा इमोशनल सा लड़का है, और बिल्कुल आप लोग रोस्ट ना करें हमारे प्यारे से फरजाद को, रो पड़ता है हर बात, इमोशनल सा है थोड़ा सा, चले यार आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, सोचा क्या सो मच यार, तो हमने कहा इनक्रेडिबल लाइव ही इसलिए आए कि हम आपसे पूछें, लाइव आने की सबसे मेन वजह ये थी कि आप लोगों के साथ हम टीजर वन को एंजॉय करें एंड वी गेट टू नो व्हाट द रिस्पांसेस फ्रॉम यू गाइस, इनके लिए ये सब बना है तो हम हाजिर हो गए हैं, एंड आई एम ग्लैड कि यार लोगों को बहुत अच्छा लगा है, हालांकि हमारे पास अभी इतनी हमने इतना शूट नहीं किया हुआ क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने अभी कुछ टाइम पहले ही शूट शुरू किया है और इतनी जल्दी नहीं हो पाता, उसमें हमने टीजर भी शूट करना था, फिर हमने टाइटल भी करना था और बहुत सारी अदर प्रमोशन की चीजें थी जो हमने करनी थी, तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं हमारे पास अभी, इट्स अ वेरी वेरी हेक्टिक प्रोसेस, हां मतलब इट्स इनसेनली हेक्टिक, बट हम बट फिर भी यार और आप लोगों का प्यार मिलता है, तो हम टीवी कि हम टीवी ने जो है बहुत जल्दी लाइक यू नो बहुत जल्दी जल्दी चीजें हम टीवी कर रहा है, तो और अली भाई भी के हां बिल्कुल कि वो प्रॉपर भाई तो फिर द मास्टरमाइंड, और अदनान भाई को मेरे फैंस से बहुत प्यार है, अदनान भाई ने मुझे साइड से किए नहीं नहीं यार अदनान भाई सर सारे लोग कह रहे हैं कि थैंक यू अदनान भाई, थैंक यू अदनान भाई, ऑफिशियल ऑफिशियल मूसू कह रही है कि थ्रेड्स क्यों निकाल दिया यार, थ्रेड्स जो है ना, अच्छा मुझे तो समझ नहीं आया, मैंने कहा मुझे मुझे ट्विटर भी समझ आया, आप सिर्फ कमेंट्स पढ़ते रहो सबके, और कितने कमेंट्स पढ़ोगे आप, मतलब थ्रेड मुझे नहीं समझ आया, मतलब पूरी रात मेरा फोन बजता ही रहता है तो मैंने तो वो डिलीट कर दिया, और पता नहीं लोग कह रहे हैं कि थ्रेड्स डिलीट करने से आपका इंस्टाग्राम डिलीट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, मैंने यू नो ट्वीट भी किया था, ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर अपना थ्रेड्स अकाउंट डिलीट करोगे तो आपका इंस्टाग्राम बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं होगा उसको, आई थिंक ट्विटर मेरे लिए ये बाद में बातें कर लीजिएगा ये आपके और ही निकल रही है, अच्छा लोग कह रहे हैं एकदम मस्त ये ड्रामा कब स्टार्ट हो रहा है, यार ड्रामा कब स्टार्ट हो रहा है हमें ऑनेस्टली नहीं पता, आप हम टीवी से पूछें, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी, मतलब इतना ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इंशाल्लाह सलाम सर आप जवाब दे दो, वालेकुम सलाम हमना वासी, अच्छा आई एम सॉरी अगर हम लोगों ने किसी के कमेंट्स ना पढ़े हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मतलब लाइक मुझे कमेंट्स नजर नहीं आ रहे यार, हां बिकॉज़ फोन हैंग हो रहा है और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बट हम यही कहना चाहते हैं कि हम सब आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, और लव यू टू द एक्सटेंट आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है, और हम सैटरडे रोज यही बातें करते हैं,
कि हाउ लकी वी आर, हाउ ब्लेस्ड वी आर कि हमें आप लोगों जैसे लोग मिले हैं प्यार करने के लिए. तो बस उसी की वजह से हम लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और बस ऐसे ही प्यार करते रहें और हम काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह होपफुली यू गाइस विल लाइक व्हाट वी डू. ओके चलो हमजा यार, एक्चुअली सॉरी मुझे ना आई क्योंकि यू रनिंग लेट. सहर थैंक यू यार, यू मेड टाइम. सहर को जाना था जी, सहर ने बड़ा टाइम निकाला है आप सबों के लिए. सर एनी टाइम सर नहीं मेरे एक सेल्फी नहीं, आप देखिए इतनी आप अच्छी ना बने सबको पता आप अपनी और अपने फैंस के लिए आएंगे आप इतनी आप अच्छी. चल यार अपना बहुत सारा ख्याल रखो, सी यू टुमारो. थैंक यू एवरीवन, आई लव यू सो मच और इस तरह से हमें प्यार देते रहे और अच्छे अच्छे कमेंट और अच्छे अच्छे ट्वीट बनाते रहे और थैंक यू गाइस, थैंक यू दोस्त लड़के को करते रहे. लव यू गाइस यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय.